कचालू की चटनी थोड़ी स्पेशल है हमारी, शायद आपको यही मिलेगी जहाँ तक मेरी नॉलेज में कोई बनाता नहीं, कोई नहीं मिला, आरसी भी नहीं बनानी। न्यू दिल्ली की तरफ जाएंगे उन्हें पता ही नहीं कचालू क्या होता है। Hey guys, this video is sponsored by Meesho application. Meesho एक reselling app है जिसके through आप घर बैठे 25,000 तक कमा सकते हो। पैसे कमाने का तरीका ऐसा है कि आप इस app को download करो और उस पर आपको जो भी product पसंद आता है उसका link कुछ photos के साथ share करो अपने friends के साथ। आपका friend अगर वो product खरीदेगा तो आप उसके ऊपर commission कमाओगे, वो भी अपना मन चाहा। तो जाकर इस app को अभी download कर लो, तब तक हमारी video enjoy करो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुष, स्वागत है आपका हमारी नई स्ट्रीट फूड वीडियो में। गाइस, आज मेरा आपके लिए एक सवाल है कि आपने दिल्ली में या फिर ऑल अक्रॉस इंडिया बेस्ट कचौड़ी कहाँ खाई है? आलू कचौड़ी नहीं बता सकते, इट्स नॉट दैट इजी ना, बहुत सब्जेक्टिव है, टेस्ट बहुत सब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में सबसे मशहूर आलू कचौड़ी कहाँ मिलती है, तो उसके लिए मेरे पास एक जगह है आपके लिए, वो है चांदनी चौक में जंग बहादुर कचौड़ी वाला। 80 साल पुरानी है दुकान, आलू कचौड़ी सर्व कर रही है कस्टमर्स को और तब से खुश कर रही है अपने टेस्ट से। तो हम भी जाकर टेस्ट करेंगे इनकी आलू कचौड़ी, पता लगाएंगे कि इनके आलू की सब्जी इतनी स्पाइसी है और इतनी ही मसालेदार है जितनी ये लोग क्लेम करते हैं, और जाकर इसका रिव्यू आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेट्स गो। जंग बहादुर कचौड़ी वाला चांदनी चौक के भीड़ भरे मार्केट में, दुकान दिखने में बड़ी छोटी सी लगेगी आपको, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल है, इनकी कचौड़ी का टेस्ट भी और ये भैया खुद भी। नमस्ते भैया, आपका नाम? अच्छा, आप कौन सी जनरेशन है भैया ये जो दुकान अभी रन कर रही है? थर्ड जनरेशन है हम दुकान। और कितने टाइम से है ये दुकान? 71 से है। अच्छा, परफेक्ट। इंग्रेडिएंट वही है। अच्छा, दाल कचौड़ी तो बेसिक नहीं, कुछ तो स्पेशल है भैया, कुछ तो स्पेशल है जो इतनी पॉपुलर है। मसालों का ही टेलर भैया, मसाले कुछ पिसवाते हैं। बट जंग बहादुर कचौड़ी वाला एक बहुत अच्छा खासा ब्रांड नेम है। अच्छा, इसके साथ क्या क्या मिलता है लोगों को? बेसिक आलू की सब्जी, कचालू की चटनी थोड़ी स्पेशल है हमारी। अच्छा, तो वो शायद आपको यही मिलेगी जहाँ तक मेरी नॉलेज में, कोई बनाता नहीं, कोई नहीं मिला, आरसी भी नहीं बनानी। वेरी नाइस भैया, न्यू दिल्ली की तरफ जाएंगे उन्हें पता ही नहीं कचालू क्या होता है। ओके, थोड़ा सा है पुरानी रेसिपी है उसको फॉलो करें। हाँ जी, आप खाएंगे तो कचालू की चटनी स्पेशली डिमांड में रहती है, अगर आप कचालू की चटनी ना रखे तो हमारी कचौड़ी कोई नहीं खाएगा। अरे क्या बात है, इसमें थोड़ा थोड़ा खटास भी रहता है इस वाली चटनी में। अच्छा, सब बैलेंस है, बहुत बैलेंस खाएंगे तो आपको तीखापन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन जब आपकी फिनिश हो जाएगी उसके बाद आपके मुंह में जो मिर्ची थोड़ा स्पाइसी। एग्जैक्टली, यही तो जादू है। अच्छा, प्राइस क्या है एक प्लेट कचौड़ी का? 40 रुपीज़ की है, 2 पीस होते हैं। अच्छा, आप 40 रुपीज़ की कचौड़ी है, और लोगों को ये कचौड़ी खानी है तो वो कहाँ आ सकते हैं? एग्जैक्ट एड्रेस मेट्रो से अगर आते हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन को, पराठे वाली गली में एंटर करें। हाँ जी, और किसी से भी कोई बता देगा जंग बहादुर कचौड़ी वाला। परफेक्ट, अब हमें भी एक कचौड़ी टेस्ट कराओ, हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कैसी। चांदनी चौक के इस मार्केट में जंग बहादुर कचौड़ी की एक कचौड़ी मैंने ले ली है। 2 पीसेस हैं कचौड़ी के जो कि क्रश करके डले हुए हैं। प्राइस है इनका 35 रुपीस। अगर आप यहाँ आकर सिंगल पीस खाते हो तो उसका प्राइस होगा 20 रुपए। अब मैं आपको बताऊं कि पहले जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था, इट वॉज अराउंड 5-6 मंथ्स बैक, तो यहाँ पर कचौड़ी फुल कचौड़ी मिलती थी, उसके साथ सब्जी अलग से मिलती थी। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है, सिंस कि यहाँ पर सिटिंग ऑप्शन नहीं है, लोगों को खड़े होकर खाना पड़ता है, तो ये क्रश करके देने वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। क्रश करके दिया, ऊपर से सब्जी डाली, झंझट ही खत्म, आपको तोड़ने वगैरह की, आपने सीधा चम्मच डाला और अपना खा लिया। अब मैं आपको पास से दिखाऊं कि ये कचौड़ी दिखने में कैसी है। तो दिस इज द कचौड़ी जो कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली की सबसे मशहूर कचौड़ी, मतलब जंग बहादुर कचौड़ी वाले का नाम हम सबने ही सुना होगा मानता हूं। इस वाले फॉर्म में क्रश करके थोड़ी कचौड़ी सौगी हो जाती है, लेकिन इसके फ्लेवर्स एग्जैक्टली वैसे ही मेंटेन रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती। तो ये आप देख पा रहे हो, ये आलू की सब्जी है जो कि बहुत फैंटास्टिक लग रही है और बहुत ज्यादा स्पाइसी भी लग रही है देखने में, इसकी रेडिशनेस कचौड़ी के अंदर। इसके अंदर उड़द दाल की फिलिंग होती है और कचौड़ी आपने देखा था, कचौड़ी बहुत क्रिस्पी थी। और अब इसको हम टेस्ट करते हैं।
बारी हमने कचौड़ी क्रश करवा के डाली हुई थी। ये है आलू के ग्रेवी जो इसके ऊपर आलू सब्जी मिलती है, ये आप देख सकते हो। दिखने में बाइट कितना ज्यादा मतलब एपेटाइजिंग लग रहा है, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा अभी भी। चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ। एज अ साइड ना थोड़ी बहुत सॉगीनेस आ गई है उस क्रस्ट में, बट बावजूद उसके द कचौड़ी इज वेरी क्रिस्पी। द आलू सब्जी इतना स्पाइसी, मैंने बोला था बाद में मिर्च लगती है, मुझे पहले से ही लगने लग गई है, मुझे एक्चुअली मिर्च फील हो रही है। बट ये आलू की सब्जी का टेस्ट इज वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा आलू की सब्जी का टेस्ट। आप इसकी फ्रेशनेस देख सकते हो इस सब्जी की, बहुत मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटैटोज है। इसके साथ बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, डेंसिटी बहुत अच्छी है, मुझे इस सब्जी की डेंसिटी बहुत ज्यादा पसंद आई। इज लाइक वॉटरी नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा डेंस है जो कि इस टेस्ट को और ज्यादा एनहांस कर रहा है। आई एम लविंग इट, मुझे बहुत पसंद आई भाई, एकदम मसालेदार, बहुत ज्यादा मसालेदार। टोटली पैसा वसूल, 35 रुपीज आप स्पेयर करोगे इसके लिए, टोटली पैसा वसूल है। इतना चटपटा फ्लेवर है मेरे मुंह में, मुझे फील हो रहा है, और इतना मसालेदार है कि आपको मजा आ जाएगा। तो आप जरूर आना जंग बहादुर कचौड़ी वाला, अराउंड 50 ईयर्स पुरानी दुकान है और तब से ऑथेंटिक फ्लेवर्स और ऑथेंटिक टेस्ट सर्व कर रहे हैं कचौड़ी का, जो कि आपको दिल्ली में चांदनी चौक के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। जरूर आना टेस्ट करना जंग बहादुर कचौड़ी। आपको कैसी लगती है कमेंट करके हमें बता सकते हो, ताकि हम भी पढ़ें कि भाई आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में। तब तक के लिए आप पेज को लाइक और फॉलो करना, ताकि ऐसी वीडियोस और ऐसा स्ट्रीट फूड आपको भी देखने को मिले। बाकी मैं हूँ आयुष, ऐसे ही घूमता रहूंगा और खाता पीता रहूंगा ऐसी जगह जगह का बढ़िया बढ़िया स्ट्रीट फूड। मेरी जर्नी फॉलो करना, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। सब्सक्राइब टू इंडिया एट मेनिया फॉर अमेजिंग फूड वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।